खेल एवं युवा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया कैंपेन हम लोग जो है चलाएंगे, और इसमें हम जो है 6 लाख गाँव 744 जिलों को में हम जो है ये कार्य करेंगे। और हमारा पूरा उद्देश्य ये था कि हम इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन कैसे बनाएं, और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी हमने जो है लक्ष्य रखा था प्लास्टिक उठाने का, जो कि 75 लाख किलो का, और हमको लगा कि बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है और हम एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल तक हमने ऑलरेडी 60 लाख किलो प्लास्टिक जो है एकत्रित कर लिया, और जिला प्रशासन की मदद से बहुत बड़ी संख्या में हमने जो है इसका डिस्पोजल भी किया, और अब जो आने वाले दिन में हम जो है लगातार इसके ऊपर पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और 21 तारीख को पुनः हमने जो है जिला कलेक्टर के साथ मीटिंग रखी है कि जिससे जो अब तक का जो उत्कृष्ट कार्य उन्होंने किया है इसमें और कुछ देखे इसको आगे 12 दिनों में कैसे और ज़्यादा बड़ी संख्या में हम लोगों को सेंसिटाइज करें, गंदगी मुक्त वातावरण रखने में बड़ी संख्या में हम लोग और इसको जोड़ें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस स्थल पे, जो कि एक आइकॉनिक स्थल है, कि बहुत बड़ी संख्या में छुट्टी होने के बावजूद भी वॉलेंटियर्स आए हैं, और वो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के हैं, NYK के हैं, NSS के हैं, कॉलेज के हैं, CRPF के भी जवान हैं, कॉलेजेस भी जुड़े हैं। तो हमारा यही कोशिश है कि हम जो है जनप्रतिनिधि को, वॉलेंटियर्स को, रिलीजियस संस्थाओं को, NGO को, नागरिकों को, किसानों को, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सभी को हम लोग जोड़ रहे हैं, जिससे कि सभी में ये जागरूकता आए कि गंदगी मुक्त वातावरण एक स्वस्थ भारत के लिए क्यों आवश्यक है।